होमगार्डों ने दिया ज्ञापन। बरेली में आज सैकड़ों की तादाद में होमगार्डों ने कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम बरेली को सौंपा। यह ज्ञापन उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले दिया गया है, जिसमें एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा, बीती दिनांक 27 दिसंबर को जारी पत्र में कमांडर जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा 16,519 होमगार्डों की ड्यूटी पूरे प्रदेश में वित्तीय कमी के कारण कम कर दी गई है। उन होमगार्डों की ड्यूटी पुनः बहाल करने के लिए आज सैकड़ों की तादाद में होमगार्डों ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। का प्रदेश उपाध्यक्ष आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को माननीय जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से एक ज्ञापन देना चाहता हूं कि हमारी 16,000 ड्यूटियां समाप्त कर दी, 16,500 ड्यूटियां समाप्त कर दी, इससे बेरोजगारी हम लोगों पर आ गई है, जिससे थानों में अधिकारियों के यहाँ ड्यूटी कम कर दी गई और जो पुलिस वाला वेतन लगाया वो वेतन फाइबर वाला लगा दिया और हमारे लिए फाइबर वाला वेतन दे रहे हैं। थोड़ी राजनीति हमारे डीजी महोदय खेल रहे हैं और हमारी जो 51,000 का कोटा था जो बीएसपी और बीजेपी सपा की सरकार में रहा, ये बीजेपी की सरकार ने आज तक किसी सरकार ने खत्म नहीं किया, इस सरकार ने खत्म कर दिया। अगर समय रहते हुए इन्होंने हमें रोजगार नहीं दिया तो ये अगले माह हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।